आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। और आज सबसे सटीक, सबसे खास और सबसे विश्वसनीय चुनावी शो पब्लिक पोल लेकर मैं पहुंच गया हूं पीतल नगरी मुरादाबाद में। और ये शो की जो खास बात है, हमारे यहाँ सिर्फ नेता और जनता नहीं होगी बल्कि हमारे संवाददाताओं के द्वारा इस पूरी लोकसभा में 1000 से ज्यादा लोगों के बीच जाकर वो सर्वे किया गया है जिसके जरिए पूरे मुरादाबाद का मूड आपके सामने होगा, चुनावी मुद्दे क्या होंगे वो भी आपके सामने होगा, और क्या इस बार जनता बदल रही है अपना सांसद इसके बारे में भी रखेंगे राय आपके सामने, पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इस बार मुरादाबाद में क्या क्या मुद्दे हैं उसमें एक और मुद्दा शामिल हो गया है, क्या मुख्तार अंसारी का फैक्टर मुरादाबाद में काम करेगा, ये सारे मुद्दे हैं, इस पर करेंगे चर्चा, मेहमानों से कराएंगे परिचय कि हम पीतल नगरी मुरादाबाद में मौजूद है और हमारे साथ बड़ी तादाद में जनता है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल आ गया है। मेहमानों के परिचय से शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विनोद अग्रवाल साहब है जो की महापौर है मुरादाबाद के, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आजम अंसारी साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इसके साथ साथ मसूद उल हसन साहब जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और एसटी हसन जिनका अभी अभी टिकट कटा है उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इरशाद सैफी जो कि बसपा का पक्ष रखेंगे और एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। शुरुआत बीजेपी से करता हूं। अग्रवाल साहब, आप बीजेपी का पक्ष रखने आए हैं, इस सीट की बात करें मुरादाबाद की, तो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो लहर चली 2014 में, उसके पहले और उसके बाद आप कभी नहीं जीते, इस बार ऐसा क्या समीकरण बना, क्या समीकरण बिगड़ रहा है जिसके चलते आपको उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से आप पर यकीन करे? हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, बिना जाति पाति भेदभाव से अलग हटके। हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष या परिवार बात पे विश्वास नहीं। लेकिन ये मुद्दा तो 2019 में भी था, फिर आप चुनाव कैसे हार गए? कहाँ हार गए? अच्छा, मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद में अलग समीकरण थे, परंतु इस बार हम 52% एक तरफा वोट लेकर संसद के अंदर अपना प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को पुनः भेजेंगे। आप प्रतिशत की बात करें तो जो हमारे रिपोर्टर्स ने सर्वे किया है मुरादाबाद मंडल में, उसका एक आंकड़ा हम जनता के सामने रख दें कि इस बार जो हमने सर्वे कराया उसके मुताबिक मुरादाबाद में इस बार वोटर सबसे ज्यादा किस पार्टी को वोट कर रहा है, तो वो आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। बीजेपी को मुरादाबाद में 45% वोटर वोट कर रहे हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, इस गठबंधन को 40% वोट समाजवादी पार्टी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को महज 10% वोटों से इस बार संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में साथ में है, पिछली बार ये गठबंधन बहुत बड़ा था तब जाकर इस सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन आपस में सिर्फ फुटबॉल इतनी ज्यादा है, इस बार कैसे चलेंगे चुनाव, कैसे जीतेंगे? 40% ही वोटर आपको चुन रहा है। आपने 40% वोट समाजवादी पार्टी का बताया, आपने कांग्रेस का वोट नहीं बताया। नहीं, गठबंधन उत्तर प्रदेश भाजपा गठबंधन 45%, सपा गठबंधन 40%, बसपा गठबंधन 10%। जनता में हमें विश्वास है, जनता जिता कर लाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा देश के संविधान में यात्रा आई थी क्या? राहुल गांधी की हाथ जोड़कर बताया, आई थी क्या? आई थी क्या? जब मुरादाबाद में यात्रा आई ही नहीं तो इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, जो मोदी भक्त लोग हैं उनको यात्रा नहीं दिखी, क्योंकि राहुल गांधी देश के महंगाई की बात कर रहे हैं, न्याय की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग संविधान विरोधी हैं उनको यात्रा नहीं दिखी। लेकिन सवाल ये है, आपके चचा लगते हैं शायद एसटी हसन साहब, बहुत बेआबरू होकर निकाला है अपने कूचे से उनको आजम खान साहब ने, उन्हीं ने टिकट दिलवाया और उन्हीं ने रुखसत कर दिया। देखिए, ऐसा है कि वो शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। नहीं, गालिब का एक शेर है, तो आपके शेर से एक शेर से ही मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बेवफा कौन हुआ, आजम साहब हो गए या एसटीएसएन साहब हो गए? बेवफा कौन है? बेवफा कौन है? देखिए, अच्छा नहीं, ये पता, बेवफा कौन, आजम साहब या हसन साहब? मजबूरियां हैं और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर जगह पे भाजपा अपनी टांग अड़ा रही है, घुसेड़ रही है, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला। हम तो मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद में भाजपा कहाँ आ गई? आपके पार्टी का मसला, आपके नेता ने टिकट दिया, एक शख्स जो सीतापुर की जेल में बैठा हुआ सजा याफ्ता शख्स है वो ये कह देता है कि उनको टिकट मत दो और उसका टिकट काट दिया जाता है।
ये सारे हथकंडे, ये तरीके, ये जो भी हैं पर्दे के पीछे, इसमें भाजपा इन्वॉल्व है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? खाली अखिलेश यादव जी ने आखिर वक्त तक चाहा कि मुरादाबाद जीतेंगे, रुचि वीरा के नाम पर जीत जाएंगे, एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा के नाम पर जीत जाएंगे। देखिए अखिलेश यादव जी ने जिसको भी टिकट दिया है, समाजवादी के लोग, आपको उम्मीद है, लेकिन बीएसपी पिछली बार गठबंधन में थी और उसका असर हुआ कि मुरादाबाद मंडल में आप जीते, लंबे वक्त के बाद जीते, लगभग जो मुझे याद आ रहा है 14 और 19 के बाद आप जीते हैं। लेकिन ये बताइए, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उसमें मुसलमानों को लेकर बहुत दावे वादे किए जा रहे हैं, मेरे पास आंकड़ा भी आ गया, वो आंकड़ा भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सवाल आपसे ये है कि बीएसपी के ऊपर आरोप है कि ये उन उन सीटों पर जानबूझकर मुसलमानों को उतार रही है जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने की संभावना है, ये बी टीम की तरह खेल रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी की तरह? सबसे पहले तो आपसे मेरा इस बात की शिकायत है कि आपने सारी पार्टियों की फोटो लगाए, मेरी पार्टी के नेता फोटो नहीं लगाया। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि हम तो उनकी फोटो लगाए जिनमें प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। मुझे उम्मीद ये है, आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आगे गलती आप सुधार लेंगे। अब रहा आप ये कह रहे हैं बी टीम पर काम कर रही है, ठीक है, हम दलित और मुस्लिम के गठबंधन को लेकर मुसलमान हम भाईचारे, आपको लग रहा है मुसलमान आपको देगा? तो क्यों नहीं देगा? चलिए आंकड़ा देख ले। देखिए मेरे पास मुसलमानों का आंकड़ा आ गया है, मुरादाबाद मंडल में मुसलमान किसको वोट करेगा? सबसे पहले 14% मुसलमान बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे सुनिए, मुसलमान 77%, 77% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 4%, देखिए 77% जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहा है और 4% बीएसपी को वोट कर रहा है और 5% मुसलमान को। लेकिन 14% जो वोट मिल रहा है उसका कितना असर होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन मंसूरी है। किसको वोट जाना है? देखिए एक बात, पहले वोट किसको जा रहा है पहले ये बताइए। पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, मुरादाबाद की बात, ये 5 साल सांसद रहे, इनके चाचा, इनके घर के आगे गड्ढा है बहुत बड़ा, 5 साल के अंदर वो गड्ढा ही नहीं भरा गया, गड्ढा नहीं भर पाए भाजपा का। नहीं नहीं, सांसद अपने घर के बाहर का गड्ढा, यार मेयर साहब नगर निगम का समझते हैं आप? पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिलों की बात मत करिए। मेयर के अंडर में आता है सड़क पानी, क्यों नहीं भरा भाई आपने गड्ढा? क्यों नहीं भरा ऐसे गड्ढा? क्यों नहीं भरा गड्ढा? क्यों नहीं भरेगा? अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद थे, मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद ने 5 साल में कोई काम किया? किया? कोई काम किया? 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 सांसद जी ने काम किया है 5 सालों में पार्लियामेंट में 80 बार बोले। बाप रे बाप, मुझे तो लगता है क्या हो रहा है ये, ऐसे कैंडिडेट को आप बताइए, अब ये बताइए, पूरे जनता की गवाही आपके सामने है यहाँ तो। अच्छा मुसलमानों की गवाही करा दूं? मुसलमानों की गवाही करा दूं? आज 14% की बात है, 14 लोग लेकर आइए, एक आदमी टोपी वाला वही बटन डालते में डर रहा है। लेकिन मुसलमान यहाँ कह रहा है एसटी हसन साहब, इतना बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी बसपा आरएलडी और काम ही नहीं हुआ। देखिए देश का मुसलमान अब एक ऐसे धाने पर खड़ा है, वो अभी फैसला करने वाला है। वो किस तरह फैसला कर रहा है? आपने कहा 14% अंसारी का फैक्टर है कि मुख्तार अंसारी नहीं? कोई मुख्तार अंसारी देश के आगे मुख्तार अंसारी? बिल्कुल है, मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है और उस हत्या की जांच होना बहुत जरूरी है। मुख्तार अंसारी का फैक्टर है, ये ऐसा फैक्टर रहेगा। मुसलमानों से गवाही करा दे। एक मिनट, शांत हो जाइए। आप में से 50% से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर खड़े हैं, क्या मुख्तार अंसारी का फैक्टर मुरादाबाद के लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा रहेगा? मुसलमान भी ये कह रहा है विकास मुद्दा रहेगा? बिल्कुल। चलिए हमने आपको दिखाया टोटल वोटर किधर जा रहा है, मुसलमान वोटर किधर जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो डिसाइडिंग फैक्टर वोट है वो है ओबीसी का। अब देखिए ओबीसी के आंकड़े आ गए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस आंकड़े को, ओबीसी किसके तरफ जा रहा है, वो आंकड़ा मेरे पास आ चुका है और वो आंकड़ा ये कहता है कि ओबीसी में
35% वोट बीजेपी को मिलता हुआ ओबीसी का नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी को 39%, जी हाँ मतलब बीजेपी से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है 39%, लेकिन बसपा को महज 16% ओबीसी वोटों से इस बार संतोष करना पड़ेगा। आप ये बताइए ओबीसी भी 35, ओबीसी टोटल बीजेपी के साथ था है और रहेगा, क्यों रहेगा, क्या ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने, हमेशा ओबीसी को अपने साथ मिला के चला है हमेशा, और आज सबसे ज्यादा भाई सांसद, सबसे ज्यादा हमारे पार्षद, सबसे ज्यादा विधायक ओबीसी के भाजपा से है। आरक्षण को खत्म करने वाले लोग आज ओबीसी की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। अरे ये सबसे पहले ये मनुवादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अगर पूर्ण बहुमत में आ गए तो ये सबसे पहले ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने अभी इनको पद अगदी बात का गड्ढा ये भरवाते, इनके पास भी तो निधि आती थी, अगर ये चाहते तो 10,000 रुपए का। अच्छा, आपने सांसद ने कुछ किया कि नहीं किया? हमारे सांसद ने कुछ नहीं करा, किया कुछ नहीं करा, दिखाई कोई करा, क्या मुद्दा नहीं कहा? अपना नाम बताइए, अपना नाम। शहाबुद्दीन है। देखिए शहाबुद्दीन साहब, आप तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट करते होंगे, बीजेपी को करेंगे हम आपकी बात? बीजेपी को, मुसलमान बीजेपी को, ऐसा क्यों भाई? आपके क्या नाम है आपका? शुजात अली। आप किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। आप किसको वोट करेंगे? हम विकास के लिए वोट करेंगे। विकास के लिए वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास कौन कर रहा है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी जी, हिंदू का विकास हो रहा है, मुसलमान अगड़ों का, विकास के लिए, विकास के लिए। मेरा नाम सैयद फैज मसूद है, मैं मुरादाबाद से हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। जो मुरादाबाद की बेसिक आवाज़ है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि अभी जो सिटिंग जो टिकट कटा है यहाँ पर, तो उससे एक बहुत खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। क्या खतरनाक होगा? लोग चौक जब जीत जाएगी, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा एक बात आप सभी से मेरा सवाल है, इसके बाद मैं इस तरफ आ रहा हूँ क्योंकि इस तरफ नहीं गया। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट थोड़ा शांति से मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या बीजेपी हिंदू और मुसलमान देखकर कोई काम करती है? कोई काम करती है हिंदू और मुसलमान देखकर? कोई हिंदू और मुसलमान, बिल्कुल नहीं करती। प्रधानमंत्री ने कभी भेदभाव दोनों धर्मों में? मैं एक मुस्लिम महिला हूं और मैं मुस्लिम, बिल्कुल मैं एक मुस्लिम महिला हूं, मेरा नाम फरहान अंसारी है और मैंने इस बार चुनाव भी लड़ा है, पार्षद का चुनाव, क्योंकि कोई टिकट के टिकट नहीं दिया जाता, भाजपा में मुझे टिकट दिया गया है और मैं ज्यादा से ज्यादा वोट लेके आई हूँ। क्या ज्यादा से ज्यादा वोट लेके आई? तो इस बार मोदी जी सरकार आएगी, धनसद हमारे, हम नहीं, नहीं। सवाल ये है कि क्या हिंदू और मुसलमान देख के वोट होता है? हिंदू मुसलमान देख के? तो चलिए मेरे पास अब आंकड़ा आ गया है, देखिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद मैं इस तरफ आ रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। एससी एसटी का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए अब एससी एसटी का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 27% एससी एसटी वोटर बीजेपी के साथ इस लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 16% और बीएसपी को 50% एससी एसटी वोटर वोट करता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो एससी वोट है वो बहन कुमारी मायावती जो आता है, मैं तो रहा हूँ 50% जा रहा है, कितना परसेंट वोट ले लिया आपको? अगर बहन कुमारी मायावती का गठबंधन अगर होता तो यकीन बता रहा हूँ होता, अगर इनसे होता समाजवादी हो या कांग्रेस होता, जी क्यों नहीं किए? हमने कारण है क्या बताऊं? कारण है कि पूरा सुपड़ा साफ हो जाता उत्तर प्रदेश के अंदर, एक सीट नहीं आती बीजेपी की। अच्छा, अगर बहन कुमारी मायावती का कितना बड़ा, मायावती कितना बड़ा फैक्टर? मायावती का कुछ फैक्टर है, मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। क्यों ऐसा क्यों लगता? आप देख रहे हैं किस तरीके से है, आप देखिए जिस तरीके से मायावती जी, आप देखना कांग्रेस और सपा गठबंधन ही सीट जीतेगा, जैसे 2019 के अंदर जीते थे वैसे ही मुरादाबाद सीट। क्यों ऐसा लग रहा है? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, केवल बीजेपी बी टीम, ये कहा जा रहा है कि बी टीम, क्यों ऐसा? देखिए नहीं नहीं ये बताइए आप देखिए आप 17 लोगों का लिस्ट जारी करते हैं, 8-8 मुसलमान आप दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जीतने की संभावना बन रही है वहां मुसलमानों को उतार कर क्या संदेश दे रहे हैं? ऐसा बी टीम इनकी है, इन्होंने काटा है टीम, ये कौन सी टीम? देखिए ऐसा बी टीम है, सी टीम अभी अभी भाई साहब कह रहे हैं, ये ए टीम तो आपकी थी पिछली बार, इस बार बी टीम है, सी टीम। आप मुझे बोलने देंगे तो बिल्कुल तो बोलने दीजिएगा, माइक में धड़ाइएगा,
मैंने कहा अभी भाई साहब बसपा वाले ये कह रहे थे कि हमसे गठबंधन नहीं करा, गठबंधन में इंडिया अलायंस वालों ने पूरी बुलाने की कोशिश करी मायावती जी को, मायावती जी ने आके कहा हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे, यहाँ तक कह दिया कि इसके कहने पर है? इसके कहने पर अब वो तो माया कहने वो पर? तो मायावती कहने पर क्या चीज, मायावती ने गठबंधन किसके कहने पर नहीं किया, किसके कहने पर? एक मिनट, मायावती जी अपनी पार्टी की खुद जिम्मेदार, किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, बीजेपी के कहने पर मायावती ने गठबंधन नहीं किया, हार गया था, झूठ है, झूठ है। इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नेता नीतीश कुमार जी ने घर में वापसी करी है और एनडीए गठबंधन का हाथ पकड़ा और राष्ट्र हित में वोट पड़ेगा और फिर से पुनः 400 बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी। एससी समाज से आता हूँ और 100% वोट बीजेपी के साथ है, एससी समाज का वोट, एससी समाज का वोट, एससी समाज का वोट 100% भाजपा के साथ है। ये मुसलमानों की बात यहाँ सब लोग कर रहे हैं, आप सुनिए, मैं विकास कितना बड़ा मुद्दा है, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास विकास हुआ, बहुत बड़ा, बहुत विकास, पूरा विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है। और रही बात आपके आंकड़ों की, इस बार दलित पूरे पूरे तन मन धन से बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, दलित भी, दलित, अरे भैया दलित भी आपको छोड़ रहा है, मुसलमान इधर जा रहा है, क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री एक फर्जी उद्घाटन एयरपोर्ट का करता है और आज तक एयरपोर्ट नहीं चला, वो देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा था, कौन से वाले एयरपोर्ट? मुरादाबाद के एयरपोर्ट का, और क्या, अच्छा झूठ का पुलिंदा है सर, झूठ का पुलिंदा है, ये तो कह रहे हैं बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा, कोई विकास नहीं किया आपने, एक एयरपोर्ट बनवाया, उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन कर दिया, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा है, ये अपने कार्यकाल का गिनवा देना, अपना अपने कार्यकाल का गिना दे, संसद थे और जब ये खड़ा ही नहीं सकते तो फिर इन्हें पब्लिक वोट क्यों दे? बड़ा सवाल है। अच्छा आप देखिए, अब डाटा एक आ गया है, अब देखिए समर्ण वोटर एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है पूरे देश में, समर्ण किसके साथ जा रहा है, क्योंकि क्योंकि अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया, अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया, नाम दिया पीडीए, पिछड़ा दलित और आदिवासी, और कहा कि आधी आबादी, लेकिन समर्णों को उसमें नाम नहीं था, इसलिए समर्ण किधर जा रहा है ये बड़ा फैक्टर। अब देखिए मेरे पास जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा क्या कहता है, समर्ण वोटरों का आंकड़ा ये कहता है कि 77% समर्ण बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी के साथ वो 20% और महज 3% जा रहा है, समर्ण भी साथ छोड़ चुका है, हम कायस्थ हैं, 100% वोट हमारा क्यों बीजेपी, क्या कर दिया, अरे 5 साल पूरे मंडल में पिछली बार एक सीट आपने दी नहीं, इस बार कह रहे बीजेपी बीजेपी क्या कर दिया, देखिए संजय का टिकट क्यों कटा, उन्होंने विकास कोई काम नहीं करा, बोला कोई पार्टी टिकट नहीं काटती है, सबसे बड़ा मुद्दा यही था, अगर अखिलेश जी भी वहां बैठे हुए उन्हें पता था कि इन्होंने कोई काम नहीं करा संजय ने, इसलिए उनका टिकट काटा गया, और अब जब मेरा नाम दीपक कुमार जाटव है और दलित है, दलित हूँ, दलित किधर जा रहा है, दलित बीजेपी पे, दलित अब की बार मोदी जी के साथ है, दिल से, जान से, हर तरीके से। अच्छा एक सवाल ये, मुरादाबाद की सीट आपस में बात ना करें, यहाँ भी सेटिंग चल रही है क्या? अच्छा देखिए एक बात ये देख लीजिए आप लोग के पास आ रहा हूँ भैया, आपके पास मेरी, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद के जो टिकट है वो आजम खान के काटने पर किया गया है, क्या ये टिकट काट कर समाजवादी पार्टी ने ठीक किया है? ये बी टीम है, ये तो खुद समाजवादी की बी टीम है, इनके चाचा कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा कांग्रेस का, भाजपा का। हसन साहब कह रहे हैं, हसन साहब ने कहा कि रामपुर में हिसाब हुआ बराबर, पिछली बार उनके लेटर से मिला टिकट और इस बार उनके लेटर से कट गया टिकट। देखिए ऐसा है, हसन साहब ने ये कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आखिर वक्त तक मेरे टिकट की कोशिश करी मगर कोई परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे कट गया, वो मुरादाबाद में नहीं लड़ाएंगे, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे समाजवादी पार्टी का, ये मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पे डंगे की चोट पर। वो तो कह दिया चुनाव नहीं लड़ाएंगे, गठबंधन तो हार गया, फिर आपका मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया आपने, बेचारे को नामांकन उसका बेदखल करा दिया। प्रवक्ता के बारे में बात मत करिए, अपनी बात करिए, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, क्या मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, क्या मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, पहले बात करिए, गठबंधन को टिकट हुआ है और रुचि वीरा जी कैंडिडेट घोषित हुई है, पूरी ईमानदारी के साथ शहर की जनता में चुनाव लड़ रही है। और सुनिए अंतिम, देखिए 23 लाख वोटरों में इन्हें लोकल का गठबंधन को एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी नहीं मिल रहा है, लेकिन समय यहीं तक इजाजत देता है, पब्लिक पोल में समय यहीं तक इजाजत देता है, हमें दीजिए इजाजत। और अंत में